फ्रेंड्स, दांत का जो दर्द होता है इतना ज्यादा असहनीय होता है कि जो आपको सिर में दर्द होता है या शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है उससे बहुत ज्यादा भयानक होता है। ये दर्द कभी भी शुरू हो सकता है, दिन हो या रात हो, कभी भी। कभी कभी आप कहीं घूमने गए हो बाहर, या फिर रात को आप सो रहे हो, अचानक से दर्द शुरू हो गया। तो ऐसे टाइम पे जो है, आप इमरजेंसी में कौन सी मेडिसिन लें और कौन सी मेडिसिन सेफ होती हैं और इनका क्या डोज होता है, और ये जो मेडिसिन लेते हैं उस टाइम पर हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करेंगे हम आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर रजनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गो विद स्टारलाइट। अगर आप घर पर हैं या रात को आपको दर्द हुआ है तो उस टाइम पे जो है आप लौंग का तेल, जो आपके घर होता ही है, वो आप लगा सकते हो उस दांत के ऊपर, या फिर लौंग को पीस करके उसका पाउडर उस दांत में लगा सकते हो। तो कुछ ही देर के बाद इससे आपके दांत का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये तो हो गई बात घरेलू इलाज की। अब बात करते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि जितने भी घरेलू इलाज है वो करने के बाद भी हमारे दांत का दर्द ठीक नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पर जो है हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स जो हैं हम इमरजेंसी में ले सकते हैं। तो जिन मेडिसिन्स के अंदर पैरासीटामोल, आइब्रोफिन ऐसे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, वैसी मेडिसिन्स जैसे कि कैल्पोल, ब्रूफिन, फ्लैक्सोन और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, ये सभी मेडिसिन्स जो हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती हैं या किसी के भी घर पे जो है आसानी से होती हैं। तो ये मेडिसिन्स आप इमरजेंसी में ले सकते हैं, लेकिन इन मेडिसिन्स को आप खाना खाने के बाद ही लें। नेक्स्ट जो है कैट्रोल डीटी, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड है, इसकी 2 टैबलेट्स आप आधा ग्लास पानी के अंदर डिजोल्व करके ले लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा है तो आपको उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डोज कितना होगा। तो इन सभी मेडिसिन्स का सिर्फ 4 टैबलेट्स आप 24 आवर्स में ले सकते हैं और इन सभी टैबलेट्स के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप आपको रखना है। आप जानते हैं कि ये इमरजेंसी मेडिसिन्स लेते टाइम हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ये जितनी भी इमरजेंसी में मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं ये आप तभी लें जब आपने ये मेडिसिन्स अपनी लाइफ में पहले कभी ली हो और इनसे आपको कभी एलर्जी ना हुई हो। अगर आपको इनसे कभी एलर्जी हुई है तो ये मेडिसिन्स कभी ना लें। बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें इन मेडिसिन्स को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें और इन सब मेडिसिन्स को आप लगातार कभी ना लें या ज़्यादा क्वांटिटी में कभी ना लें, नहीं तो आपको इनसे नुकसान हो सकता है। और कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि काफ़ी लोग मेडिकल स्टोर्स पर चले जाते हैं और कहते हैं हमें दांत की दर्द की दवा दे दो, तो इस टाइप से आप मेडिसिन्स बाहर से कभी ना लें, नहीं तो आपको इनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप मेडिसिन्स लें। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी ज़रूर मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।